हेलो गाइस, वेलकम बैक टू BFT फैमिली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में गाइस हम बात करेंगे कॉमनवेल्थ गेम्स जो शुरू हो रहे हैं आज से यानी 29 जुलाई से। इसका मैच नंबर 1 ऑस्ट्रेलिया वेमेंस वर्सेस इंडिया वेमेंस के बीच में मैच होने वाला है। वेन्यू गाइस इसका रहेगा एल्बर्टन बर्मिंघम। हमने काफ़ी बार मैन के मैचेस यहाँ पर देखे हैं, काफ़ी शानदार वेन्यू है। पहली बार यहाँ पर 1970 के बाद कोई वेमेंस का मैच होस्ट हो रहा है यहाँ पर, तो एक बहुत बड़ी बात है और बहुत अच्छी बात है कि वेमेंस गेम जो है वो यहाँ कॉमनवेल्थ तक पहुँचा है, वेमेंस T20। बात करते हैं गाइस इस वीडियो की, काफ़ी सारी आपको वैल्यू दूंगा। उससे पहले यहाँ पे आपको बता दूँ कि टूर है क्या पूरा, वेमेंस 2020 है, T20 कॉमनवेल्थ गेम्स आज से शुरू है। जो गाइस यहाँ पर दो टीम होंगी, टॉप की दो टीम होंगी हर ग्रुप से, वो क्वालिफाई करेंगे यहाँ पे सेमीफाइनल्स के लिए। ग्रुप से आप लोगों को यहाँ पर बता दूँ कि दो ग्रुप होंगे। ग्रुप ए जिसमें है ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, पाकिस्तान और बारबाडोस। वेस्ट इंडीज़ नहीं है, बारबाडोस साइड है। ग्रुप बी है, उसमें है गाइस इंग्लैंड है, न्यूजीलैंड है, साउथ अफ्रीका और श्रीलंका है यहाँ से। तो ये दो ग्रुप हैं, इनमें से दो टीम जो है टॉप, टू टीम्स फ्रॉम ईच ग्रुप, जो भी दोनों ही ग्रुप से दो टीमें टॉप की होंगी वो सेमीफाइनल्स यहाँ पर खेलेंगी आपस में। टोटल यहाँ से गाइस आप देखो 10 दिन के अंदर 16 गेम होंगे, जिसमें से 7 अगस्त तक ये सीरीज़ चलने वाली है, यानी आज 29 से लेकर 7 तक ये सीरीज़ चलने वाली है। वीडियो गाइस यहाँ से अपन शुरू करें, वीडियो गाइस शुरू करें। उससे पहले जैसा हम सब चाहते हैं कि इंडिया वेमेंस अच्छा खासा करे, इंडिया वेमेंस गोल्ड लेके आए, लेकिन बात वही आ जाती है कि यहाँ पर आपके कंपटीटर्स कौन कौन हैं, बिकॉज एज अ एनालिस्ट हमको थोड़ा सा प्रैक्टिकल होना पड़ता है। तो यहाँ से कैसे आप लोगों को बता दूँ, ICC T20 जो इंटरनेशनल मैचेस होते हैं उनकी रैंकिंग में देखो तो ऑस्ट्रेलिया है नंबर 1 पर, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया कौन है, ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड चैम्पियन है। वर्ल्ड कप जैसे टूर्नामेंट में ऑस्ट्रेलिया जब 8 में से 8 मैच जीत सकती है तो आप समझ सकते हो कि ऑस्ट्रेलिया कौन है। लेकिन वही बात है कि ये T20 है, जैसा स्मृति मंदाना ने भी बोला था कि T20 में कोई भी टीम किसी भी टीम को हरा सकती है, तो सही बात है। बात करते हैं रैंकिंग की, तो देखो नंबर 1 पे ऑस्ट्रेलिया है, फिर इंग्लैंड है, यहाँ से न्यूजीलैंड है, नंबर 4 पे हम आते हैं इंडिया वाले, फिर यहाँ से साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज़, पाकिस्तान, श्रीलंका। बात करते हैं गाइस इस मैच की, आज के मैच में आपको देखो क्या देखने मिल सकता है। लास्ट मैच का जो यहाँ पर हुआ था, अभी हुआ था, अपन सब ने खेला भी होगा फैंटेसी में, इंग्लैंड वर्सेस इंडिया का, July 9, 2022। जो टीम टॉस जीती थी उसने बॉलिंग ली थी, 170 बनाया था, 8 विकेट गिरे थे पहली पारी में। वहीं दूसरी पारी में 121 पे टीम ऑल आउट हुई थी, 49 रन के मार्जिन से आप समझ सकते हो जीत हुई थी, यानी टोटल 18 विकेट यहाँ पर गिरे थे। तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पर आप विकेट्स तो एक्सपेक्ट कर सकते हो, लेकिन बैटिंग भी यहाँ पर अच्छी खासी हो सकती है, 170 180 ऐसा। अगर ऑस्ट्रेलिया और पहले बैटिंग करे, शायद ऑस्ट्रेलिया अच्छे बैटिंग करे तो 200 तक भी यहाँ पर जो है टारगेट खिंच सकता है, बिकॉज ये है बड़ा लेवल पे मैच होने वाला है। यहाँ पे देखो पहली पारी में उस मैच में क्या हुआ था, लास्ट मैच में हालांकि फ्रेश पिच रहेगी, इक्वल बैलेंस प्रोवाइड करेगी, लेकिन इस मैच में देखो गाइस यहाँ पर क्या हुआ था, 7 विकेट मिले थे पहली पारी में राइट आर्म फास्ट को, वहीं दूसरी पारी में राइट आर्म फास्ट मीडियम को, पेसर्स को 7 विकेट मिले थे। देखो पहली पारी में भी 7 मिले, दूसरी पारी में भी 7 मिले, यहाँ से गाइस 2 विकेट मिले थे लेग स्पिनर्स को। इसके पहले गाइस जो मैच हुआ था, जो बिकॉज मैंने ये वाला मैच भी कवर सॉरी गाइस मैंने ये वाला मैच भी कवर किया था ना, इंग्लैंड वर्सेस इंडिया, तो इसलिए आपको प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। उसके पहले भी यहाँ पर 8 विकेट पेसर्स को मिल चुके हैं, 6 विकेट स्पिनर्स को मिल चुके हैं, तो आप समझ सकते हो यहाँ पर इक्वल बैलेंस आपके लिए रहेगा। पेसर्स जितने इम्पोर्टेंट उतने ही इम्पोर्टेंट आपके लिए यहाँ पर स्पिनर्स भी होंगे। और वेमेंस मैच में अच्छी खासियत यही होती है कि मैक्सिमम काम के प्लेयर्स आपको बॉलिंग ऑलराउंडर सेक्शन में ही मिल जाते हैं। बात करते हैं इस विनिंग की, तो यहाँ से देखो जो बोलूँगा क्लियर कट बोलूँगा, 70% चांसेस मुझे ऑस्ट्रेलिया के लग रहे हैं, यहाँ से 30% चांसेस इंडिया के लग रहे हैं। अब इंडिया किस टेम्परामेंट में रहता है वो आज देख के पता चल जाएगा, पहला मैच है। लेकिन अभी के लिए अगर हम रिपोर्ट पे जाएं या स्टैट्स देखें तो यहाँ से 70% चांसेस इंडिया के, सॉरी ऑस्ट्रेलिया के मुझे लग रहा है, 30% मैं कह रहा हूँ कि यहाँ से इंडिया का स्कोप है। बात करते हैं स्क्वाड की, तो सबसे पहले स्क्वाड देख लो आप लोग, मैग लेनिंग ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन, सबसे कूलेस्ट स्किपर है, मेरी फेवरेट है। रैची लेंस वाइस कैप्टन है, लेफ्ट हैंडेड बैटर है, एलिसा एली इन सबको भी आप जानते होंगे, डार्सी ब्राउन वन ऑफ द मोस्ट यंगेस्ट 19 ईयर ओल्ड प्लेयर है और हाईली टैलेंटेड है,
निकोला कैरी, एशले गार्डनर, राइटा मॉपरिक स्पिनर, ये भी गाइस बहुत कमाल की प्लेयर है। बेथ मूनी लेजेंडरी प्लेयर, एलिसा पेरी को आप सब जानते होंगे, यहाँ से गाइस मेगान शूट शूटर को भी आप सभी जानते होंगे, एनाबेल सुतरलैंड ये भी यंग प्लेयर है, 1920 ईयर ओल्ड है, हाईली टैलेंटेड है। सेम अमांडा जेड वेलिंगटन का भी यही है। ग्रेस हैरिस बैटिंग बॉलिंग दोनों करना जानती है, यहाँ से जेस जोनासन को भी कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। एलिना किंग रिसेंट फॉर्म बहुत शानदार है आप सब जानते होंगे, और यहाँ से टाइला मैगरेथ भी हाईली अंडररेटेड प्लेयर है, चाहे वो बैटिंग हो चाहे वो बॉलिंग हो। बात करते हैं गाइस इंडिया के स्क्वाड की, तो यहाँ से देखो अभी कल तक तो न्यूज़ आ रही थी, कल परसों तक मतलब के दो प्लेयर्स जो हैं वो कोविड पॉजिटिव हुए हैं, लेकिन कल जब मैं देख रहा था तो शायद यहाँ से जो इसमें है शबीनेरी भेंगना, ये शायद क्वारंटाइन से वापस आ गई है। अभी एक प्लेयर और कोई गायब है, तो वो अनाउंस नहीं हुआ है अभी तक कौन गायब है, तो इसलिए हम बात कर लेंगे सबकी, फिर जो खेलेगा तो देखा जाएगा। इंडिया के कैप्टन गाइस हरमनप्रीत कौर, कौर द थॉर जैसा मैं जानता हूँ, जैसा मैं इनको बोलता हूँ, हाईली टैलेंटेड प्लेयर है, कैप्टनसी जब से कर रही है तो और ज़्यादा जिम्मेदार रही है, चाहे वो हर डिपार्टमेंट में अच्छा कर रही है हरमनप्रीत कौर। यहाँ से का स्मृति मंदाना कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत है नहीं, शफाली वर्मा भी अच्छी खासी हीटर है, बॉलिंग भी कराने लगी है अब तो, शबीनेरी मेघना, यहाँ से तानिया भाटिया, यास्तिका भाटिया, यास्तिका भाटिया का हाईली टैलेंटेड विकेट कीपर है, आप इनकी स्किल्स देखोगे तो आपको पता चलेगा। वहीं दीप्ति शर्मा हाईली टैलेंटेड बैटिंग बॉलिंग दोनों, जितनी इम्प्रेसिंग दीप्ति शर्मा है उतनी ही यहाँ से आपके लिए पूजा वस्त्राकर है, हिटर है, बहुत अच्छी हिटर है। दीप्ति शर्मा भी गाइस किसी भी नंबर पर बैटिंग कर लेती है। यहाँ से राजेश्वरी गायकवाड़ लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर है, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट अच्छा खासा रिकॉर्ड होल्ड करती हैं और फॉरेन कंडीशंस में भी अच्छा खासा रिकॉर्ड होल्ड करती हैं। यहाँ से मेघना सिंह राइट आर्म मीडियम, हाईली टैलेंटेड, बहुत अंडररेटेड प्लेयर है ये। रेणुका सिंह ठाकुर को आप सब जानते हो कि अभी श्रीलंका के अगेंस्ट अच्छा खासा विकेट निकाल के आई हैं कंसिस्टेंटली। यहाँ से जैमिमा रॉड्रिज अच्छी खासी हिटर है, राधा यादव लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर, हाली इंदियोल भी अच्छी एक कह सकते हैं मिडिल ऑर्डर अच्छी प्लेयर है, बॉलिंग इतना ज़्यादा कराते हुए देखा नहीं है अपन ने। यहाँ से स्नेह राणा ये भी गाइस एक टैलेंटेड बॉलर है, तो ये है इंडिया का स्क्वाड। अभी यहाँ से बात कर लेते हैं जो आपके काम की चीज़ है, रिसेंट फॉर्म T20 में, और जब आपस में खेलते हैं एक दूसरे के अगेंस्ट तो किस तरीके का होता है, जस्ट फॉर अ सेकेंड। यहाँ से गाइस आप देखिए हरमनप्रीत कौर का, जब ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट खेलते हैं तो हेड टू हेड में 28 किया, एक विकेट लिया, फिर 13 किया, विकेट लेस गई, ये इनका फॉर्म है हेड टू हेड में। वहीं रिसेंट फॉर्म T20 में देख लो, क्योंकि अभी क्या है 2 साल से विमेंस ने इतना ज़्यादा T20 खेला नहीं है, ठीक है, अभी एक श्रीलंका सीरीज़ अगर इंडिया के लिए हम छोड़ते हैं तो इतना खेला नहीं है, ODI वर्ल्ड कप वगैरह खेला है, ODI काफ़ी मैचेस खेले हैं। तो T20 में देखो कैसा करती है हरमनप्रीत कौर, 12 किया, फिर 22 विकेट लेस, 31 एक विकेट, 39 नॉट आउट, यहाँ से विकेट लेस, ये इनका रिसेंट फॉर्म है। अभी ODI में अच्छा खासा करके आ रही हैं और काफ़ी एक जिम्मेदार कैप्टन भी है। वहीं स्मृति मंदाना की बात करें तो 2 मैच खेले ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, 1 में 1 किया, 1 में 52 किया, रिसेंट फॉर्म स्मृति मंदाना का T20 में कुछ इस तरीके का है, 22, 39 और यहाँ से 1 रन किया हुआ है। वहीं बात करें शफाली वर्मा की तो देखो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट 2 मैच खेले हैं, मैक्सिमम स्ट्रगल किया हुआ है, 3 रन बनाए फिर 1 रन बनाया। वहीं इनका रिसेंट फॉर्म T20 में देखो 13 है, फिर 31 एक विकेट है, फिर 17 और 5 इस तरीके का है। शबीनेरी की मेघना की बात करें तो यहाँ से देखो रिसेंट फॉर्म 0, 17, 22। तानिया भाटिया ने हाइट टू हाइट खेला ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, 11 रन किए थे सिर्फ। रिसेंट फॉर्म इनका देखो मैक्सिमम टाइम बैटिंग ही नहीं आई और जब आई तो 0, 8, 11, 23, 2 किया हुआ है। बात करें गाइस यहाँ से यास्तिका भाटिया की तो देखो 1 मैच खेला ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, 8 किया था, रिसेंट फॉर्म गाइस इनका 26 रन है और 13 है T20 के अंदर। वहीं बात करें दीप्ति शर्मा हमारी शर्मा जी की तो बहुत टैलेंटेड प्लेयर है, यहाँ से आप देखो हेड टू हेड में ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट 16 किया, 1 विकेट निकाला, फिर 9 नॉट आउट रही, 1 विकेट निकाला, तो कंसिस्टेंटली दोनों ही मैच में 1-1 विकेट निकाल के दिया है। वहीं रिसेंट फॉर्म T20 में आप इनका देखेंगे तो 4 नॉट आउट, विकेट लेस, 24 नॉट आउट, 1 विकेट, 9 नॉट आउट, 1 विकेट, 16 1 विकेट, 3 2 विकेट, 17 1 विकेट, 5 नॉट आउट, 2 विकेट और यहाँ से विकेट लेस। तो आप समझ सकते हो कि शर्मा जी आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, कंसिस्टेंटली विकेट निकालना जानती है, टीम को लेफ्ट हुई तो बैटिंग करना भी जानती है। यहाँ से गाइस बात करते हैं राजेश्वरी गायकवाड़ की तो जैसा मैंने लिखा हुआ है हॉट फॉर्म और ऊपर आपको बताया भी था, तो देखो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट ही 2 मैच खेले, 1 में 3 विकेट निकाला, 1 में 2 विकेट निकाला है राजेश्वरी गायकवाड़ ने, कमाल की ऑर्थोडॉक्स स्पिनर है। रिसेंट फॉर्म T20 में देखो 2 विकेट है, फिर 2 मैच विकेट लेस गई, फिर 1 विकेट, फिर 3 विकेट, फिर 1 विकेट, फिर यहाँ से विकेट लेस गई है। हेड टू हेड काफ़ी सॉलिड है और सेकेंड बॉलिंग करें राजेश्वरी गायकवाड़ तो ज़्यादा इम्पैक्टफुल आपके लिए
हो जाती हैं। बात करें कहीं जहाँ से पूजा वस्त्र, अगर मैंने लिखा हुआ भी है ऊपर, बताया भी था कि हिटर भी है, ठीक है, अच्छी खासी। ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट देखो क्या किया, 37 नॉट आउट विकेटलेस, फिर 5 और 1 विकेट। तो एदर विद द बॉल या विद द बैट आपको देंगी टीम की, लेकिन मेन स्पिनर है, ये चीज़ भी आप ध्यान रखना। टीम का जो मेन पेस स्ट्रेंथ है वो ये है, और ODI में विद द बैट बहुत अच्छे फॉर्म में थी। बात करें अदर T20 में क्या किया, 10 किया 1 विकेट लिया, फिर विकेटलेस, फिर 10+2 विकेट, 14+1 विकेट, फिर 1 विकेट, फिर 13+ यहाँ से विकेटलेस। लेकिन ये पार्ट आप ध्यान देना कि हिटर भी अच्छी खासी पूजा वस्त्राकर। यहाँ से इस मेघना सिंह की बात करें तो जैसा मैंने बोला हाईली अंडररेटेड प्लेयर है, T20 खेली नहीं है, ठीक है, ODI फॉर्म इनका सॉलिड है, यहाँ से इनको क्रिकेट वर्ल्ड कप का भी एक्सपीरियंस है, तो आप मेघना सिंह को बिल्कुल अंडर एस्टिमेट नहीं करना। विकेट लेंगी तो अच्छे खासे 2-3 विकेट आपको लेके दे सकती हैं, और स्मॉल लीग में आपके लिए एक ट्रम्प भी हो सकती है, बिकॉज जनता तो जाएगी रेणुका सिंह ठाकुर के साथ ही, बिकॉज इसका रिसेंट फॉर्म श्रीलंका सीरीज, लेकिन वो श्रीलंका थी भाई, ये ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। लेकिन रेणुका सिंह ठाकुर भी हाईली टैलेंटेड है, देखो ऐसा नहीं कहूँगा मैं। यहाँ से देखो हेड टू हेड में 2 मैच खेले ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, 1 में विकेटलेस 1 में 1 विकेट, वहीं रिसेंट फॉर्म देखो विकेटलेस और 1-1 विकेट निकाला हुआ है T20 में। ODI फॉर्म का इस हाई कॉन्फिडेंस होगा इनका, बिकॉज बहुत अच्छे बॉलिंग करा के आ रही हैं, टेक्निकली भी काफ़ी अच्छे अगर आप देखते हैं इनको बॉलिंग कराते हुए। तो यहाँ से गाइस जैमी ने देखो जैमिमा रॉड्रिग्ज ने सॉरी जैमिमा रॉड्रिग्ज ने गाइस ऑस्ट्रेलिया के 7 किया फिर 23 किया है, रिसेंट फॉर्म 0-30-16-36 नॉट आउट 3-33। तो ये इनका T20 में रिसेंट फॉर्म है। जैमिमा, हरमनप्रीत कौर, स्मृति मंदाना, ये सब लोग गाइस यहाँ से BBL भी खेलती हैं, तो आपको इतनी ज़्यादा दिक्कत होगी नहीं T20 फॉर्मेट में इनकी परफॉर्मेंस को जज करना, बिकॉज ये लोग BBL भी खेलती हैं, तो आपको पता होगा किस तरीके का परफॉर्मेंस देती हैं। बात करें गाइस यहाँ से राधा यादव की, तो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट 1 ही मैच खेला है, 1 विकेट निकाला है, रिसेंट फॉर्म देखो T20 में 4 विकेट 1 विकेट 1 विकेट 1 विकेट 1 विकेट, फिर 2 मैच विकेटलेस, फिर 2 विकेट फिर 1 विकेट फिर 1 विकेट, ये इनका गाइस रिसेंट फॉर्म है T20 में। यहाँ से गाइस हम बात कर लेते हैं हरलीन देओल की, 1 मैच खेला है, 1 विकेट निकाला हुआ है ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, वहीं रिसेंट फॉर्म देखो 0+ विकेटलेस, 1 विकेट 1 विकेट, फिर 52+1 विकेट अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, 31+1 विकेट अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। तो कह सकते हैं जैसा मैंने ऊपर बोला कि मिडिल ऑर्डर में हरलीन देओल अच्छी बैटिंग कर लेती हैं, तो आप देखो साउथ अफ्रीका के पेस अटैक के सामने इन्होंने बैटिंग की हुई है। यहीं से गाइस हम बात करें स्नेह राणा की, तो देखो रिसेंट फॉर्म इनका लगातार, यहाँ से 4 मैच विकेटलेस गई थी, फिर 1 विकेट निकाला था, फिर 2 मैच विकेटलेस गई थी, फिर 1 विकेट निकाला था, फिर विकेटलेस गई थी, तो मैक्सिमम टाइम यहाँ से विकेटलेस है। लेकिन गाइस ये अभी काफ़ी टाइम से, जब जैसा मैंने आप लोगों को बताया है, पूरी टीम गाइस अभी श्रीलंका गई हुई थी, ये भी उस स्क्वाड में शामिल थी, लेकिन इनको यहाँ पर रोक दिया था कि आप बेंगलुरु में रह के ट्रेनिंग करें, आप हमारी मेन स्पिनर हैं, आपकी ज़रूरत पड़ेगी हमें कॉमनवेल्थ में। तो स्नेह राणा भी कमाल की ट्रेनिंग कर रही हैं, आप भी से नहीं 2 महीने से कंटिन्यूसली ट्रेनिंग कर रही हैं, तो स्नेह राणा भी अच्छे खासे फॉर्म में होनी चाहिए। यहाँ से गाइस सिमरन दिल बहादुर की बात करें, तो अभी तक कोई इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंस दिया नहीं है, लेकिन बॉलिंग कमाल की है, मुझे इनसे काफ़ी ज़्यादा होप रहती है, इसलिए मैंने 2-3 बार इनको बैक भी किया हुआ है। बात करें गाइस यहाँ से ऑस्ट्रेलिया वेमेंस की, तो देखो आप ऑस्ट्रेलिया वेमेंस भी थोड़ा सा अटके हैं इंडिया के सामने, लेकिन जैसा मैं बताता हूँ कि हेड टू हेड इतना मायने नहीं रखता है, बिकॉज एज अ प्लेयर्स हर प्लेयर ग्रो करता है विद टाइम टू टाइम, और जो हमने ODI में देखा भी, वर्ल्ड कप में देखा भी, मैकग्लेनिंग हेड टू हेड देखो इंडिया के अगेंस्ट 15 किया 14 किया है, रिसेंट फॉर्म वहीं T20 में देखो 64 नॉट आउट है, 39 नॉट आउट है और 74 नॉट आउट है, तो आप समझ सकते हो कितना अच्छा है, वहीं इनका BBL का फॉर्म भी बहुत तगड़ा है। रचेल हेंस की बात करें, तो रिसेंट फॉर्म गाइस 3 किया फिर 3 किया फिर 11 किया फिर 29 किया है, BBL फॉर्म गाइस इनका काफ़ी शानदार है, T20 होता है BBL। एलिसा एली ट्वेट में देखो 4 किया 4 किया, आप कोई बिलीव नहीं करेगा कि एलिसा एली जैसे प्लेयर का इतना लो परफॉर्मेंस है इंडिया के अगेंस्ट, लेकिन रिसेंट फॉर्म देखो 7-10-1-2 सॉरी 12 नॉट आउट, तो कह सकते हैं T20 में हालांकि इतना अच्छा नहीं है, लेकिन प्लेयर हाईली टैलेंटेड है, ODI में काफ़ी शानदार करके आ रही हैं रिसेंटली, और आप समझ सकते हो बाकी चीज़ें। डार्सी ब्राउन रिसेंट फॉर्म देखो 1 विकेट 2 विकेट 1 विकेट, ऑस्ट्रेलिया की प्लेयर है गाइस, काफ़ी कूल प्लेयर है, विकेट टेकर है अच्छी खासी। यहाँ से गाइस निकोला केरी हाईली अंडररेटेड प्लेयर है, लोग इग्नोर करेंगे स्मॉल लीग में, आप भी कर सकते हो, लेकिन ग्रैंड लीग में पंट हो सकती है। रिसेंट फॉर्म 1 विकेट 1 विकेट 2 विकेट 0 विकेट 1 विकेट 2 विकेट।
एशले गार्डनर, ये गाइज मेरी वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट प्लेयर है। हेड टू हेड में देखो इंडिया के अगेंस्ट एक विकेट निकाला, एक रन किया, फिर एक विकेट निकाला, एक रन किया, तो मतलब काफ़ी सिमिलर से ही परफॉर्मेंस हो गया ये तो। लेकिन इनका जो फॉर्म है वो BBM में काफ़ी सॉलिड है, चाहे वो बैटिंग हो बॉलिंग हो, और यहाँ से ODI में भी काफ़ी सॉलिड है। यहाँ से गाइज बात करें बेथ मूनी की, तो इनका भी BBL फॉर्म काफ़ी अच्छा है, और इंडिया के अगेंस्ट देखो 61 किया, 34 किया, काफ़ी हॉट फॉर्म में है। यहाँ से रिसेंट फॉर्म T20 में देखो 0 किया, 61 किया, 45 नॉट आउट, 9 11 नॉट आउट, तो अच्छा खासा फॉर्म है बेथ मूनी का। कैप्टन वाइस कैप्टनसी स्मॉल लीग में भी आपके अच्छे खासे ऑप्शन रहेंगी। यहाँ से गाइस बात करें एलिसा पेरी की, तो पेरी का भी गाइस BBL फॉर्म काफ़ी सॉलिड है। हेड टू हेड में देखो इंडिया के अगेंस्ट 0 किया, एक विकेट निकाला, 2 किया विकेटर्स कहीं, 8 किया, यहाँ से बॉलिंग नहीं की। वही रिसेंट फॉर्म इनका T20s में देखो 2 नॉट आउट, 1 विकेट, 23 नॉट आउट, 21 विकेटलेस, विकेटलेस 5 नॉट आउट, और यहाँ से विकेटलेस, तो ये इनका फॉर्म है। बात करें शूटर की, तो यहाँ से देखो रिसेंट फॉर्म T20 में 0, 1 विकेट, 2 विकेट, विकेटलेस, 1 विकेट, 2 विकेट, और यहाँ से विकेटलेस। हालांकि मेगान शूट हाईली टैलेंटेड प्लेयर है, अभी गाइस अपने 100 विकेट इन्होंने कंप्लीट किए हुए हैं रिसेंटली, पिछले ही हफ्ते T20 फॉर्मेट में 100 विकेट कंप्लीट कर चुकी हैं। बात करें गाइस एनाबेल स्विट्जरलैंड की, तो यंग टैलेंट है गाइस, BBL फॉर्म काफ़ी सॉलिड है, विकेट टेकर है एक ये, और ये कि यहाँ से AJ वेलिंगटन, अमांडा जेट वेलिंगटन, ये दोनों की बारे में आपको बताऊँ। हेड टू हेड देखो सबसे पहले एनाबेल का इंडिया के अगेंस्ट इस मैच में विकेट लेस गई, बाकी दोनों मैचों में एक एक विकेट निकाला है। अमांडा ने गाइस एक ही मैच खेला है इंडिया के अगेंस्ट, विकेट लेस गई, लेकिन आप इनका रिसेंट फॉर्म देखो तो 3 विकेट, 2 विकेट, 4 विकेट, यहाँ से 2 मैच विकेट लेस, फिर एक विकेट, फिर 0 विकेट, तो कह सकते हैं गाइस दोनों ही कमाल की प्लेयर हैं, एक स्पिनर है, एक फास्ट बॉलर है। यहाँ से गई ग्रेस हैरिस हैं जी गाइस, हिटर भी हैं, बिकॉज मैंने इनको काफ़ी टाइम BBL में देखा है अच्छी खासी नॉक्स खेलते हुए। हेड टू हेड में इंडिया के अगेंस्ट देखो 0 विकेट, और यहाँ से 0 रन है, फिर 0 रन है, फिर 9+1 विकेट, तो इंडिया के अगेंस्ट थोड़ा सा अटकी थी उस टाइम, अब देखते हैं किस तरीके का खेलती हैं। यहाँ से गाइस जेस जोनासन, ये सब आप जानते ही होंगे, इनको काफ़ी सीनियर प्लेयर है, रिसेंट फॉर्म देखो 1 विकेट, विकेटलेस, 1 विकेट, फिर 3 विकेट, फिर विकेटलेस, फिर विकेटलेस, फिर यहाँ से 2 विकेट, और यहाँ से 4 विकेट। एलन डकिन का गाइस रिसेंट फॉर्म काफ़ी हॉट है, आप सब जानते होंगे, विकेट अच्छे कहाँ से निकाल रही है, 3-3, 2-2 विकेट निकाल रही है कंसिस्टेंटली। T20s में देखो 1 विकेट, 3 विकेट, 2 विकेट, और यहाँ से विकेटलेस। बात करें तायला मैग्रेथ की, तो गाइस हाईली अंडररेटेड प्लेयर है, चाहे वो बैटिंग हो चाहे वो बॉलिंग हो, और ये मेरी फेवरेट बिग बैश लीग के टाइम से 2018 या 19 में शायद, तब से देख रहा हूँ मैं, तब से मेरी फेवरेट प्लेयर है। हेड टू हेड इंडिया के अगेंस्ट भी अच्छा किया है, 42 किया है नॉट आउट, 44 किया है नॉट आउट, और रिसेंट फॉर्म देखो 91 नॉट आउट प्लस 3 विकेट, फिर बॉलिंग मिली तो 1 विकेट, फिर बैटिंग मिली तो 70, मतलब हमेशा आपको इम्प्रेस ही किया है जब भी किया, प्लेयर भी काफ़ी कूल है। बात करें हैदर ग्राम की, तो देखो खेली नहीं है इंडिया के अगेंस्ट, BBL का फॉर्म सॉलिड है, और BBL में जैसा मैंने नोटिस किया है तो विकेट टेकर हैं ये भी, तो ये गाइस मैंने आपको सब प्लेयर्स का बता दिया, अब आपको किस तरीके से इनका इस्तेमाल करना है ये आपके ऊपर है, ठीक है। यहाँ से गाइस कुछ अच्छे कैप्टन वाइस कैप्टनसी के ऑप्शन आपको बता देता हूँ, हालांकि मैं काफ़ी सारे आपको प्लेयर के बारे में बता चुका हूँ, तो उसी से आपको आइडिया हो गया होगा कि आपको ग्रैंड लीग्स में करना क्या है। टीम वगैरह मैं अपनी वीडियो में दिखाता नहीं हूँ, कोई पर्पस होता नहीं है, लाइनअप की बात जाहिर सी बात है कोई सेम टीम से तो जाता है नहीं। इंडिया की तरफ से गाइस बात करें, तो जैसा मैंने आपको बताया, देखो एक बाई डिफ़ॉल्ट हरमनप्रीत कौर अच्छी ऑप्शन होगी, शेफाली वर्मा अच्छी ऑप्शन होगी, दीप्ति शर्मा एक डिफ़ॉल्ट ऑप्शन होगी, राजेश्वरी गायकवाड़ भी एक डिफ़ॉल्ट ऑप्शन होगी, ठीक है। कुछ होशियार लोग यहाँ से रेणुका सिंह को भी बना सकते हैं बिकॉज ऑफ हर परफॉर्मेंस इन श्रीलंका। आप यहाँ से क्या कर सकते हो, आप भी इन्हीं प्लेयर्स को बनाओ, ठीक है। स्मृति मंदाना भी अच्छा खासा खेल लेती हैं, देखना वही होगा कि किस तरीके परफॉर्मेंस करती हैं इतने बड़े स्टेज पे, बिकॉज देखो एक एक्स्ट्रा प्रेशर तो होता ही है यार, कोई भी प्लेयर हो इतना प्रेशर तो होता ही है, तो वही देखना है कि किस तरीके से टैकल करती हैं। हालांकि अगर कोई एक प्लेयर है जिस पर मुझे फुल कॉन्फिडेंस है स्क्वाड में, तो वो है हरमनप्रीत कौर, बिकॉज आप सब जानते हो उसका रीज़न। फिर यहाँ से गाइस एक अच्छी खासी प्लेयर आपके लिए होंगी दीप्ति शर्मा, ठीक है। इस स्क्वाड में गाइस प्रिया पुनिया की मिसिंग है, हरलीन दिवल को बार बार बैक टू बैक मौके मिल रहे हैं, अब देखते हैं हरलीन दिवल किस तरीके का परफॉर्मेंस करती हैं, अदरवाइज़ मेरे हिसाब से तो सेलेक्टर्स को कॉमनवेल्थ के लिए प्रिया पुनिया का नाम देना चाहिए। मैंने उनको अभी वुमेंस T20 चैलेंज में देखा था, तो काफ़ी क्लासिक बैटिंग कर रही थी और मुझे लगता था कि उनकी यहाँ पर ज़रूरत थी,
तो देखते हैं। देखो शेफाली वर्मा का बॉलिंग कंफर्म नहीं है, हालांकि हरमनप्रीत ने कहा है कि हम अच्छे ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शन लेके चलना चाहते हैं, चाहे वो बैटिंग के हो चाहे वो बॉलिंग के हो। इसलिए आपने देखा होगा कि वस्त्राकर भी नंबर 7 नंबर 8 पर आके हिटिंग कर लेती है। तो यही बात है, इंडिया की तरफ से यही कुछ ऑप्शंस हैं आपके पास। राजेश्वरी का भी हेड टू हेड अच्छा है, लेकिन जैसा मैंने बताया सेकंड बॉलिंग ज़्यादा इम्पैक्टफुल रहती है। वहीं गाइज यहाँ से बात करें, अब देखो कॉमन कौन है आप सबको पता होगा, लेकिन जिन प्लेयर्स पे आप ट्रस्ट कर सकते हो यहाँ से, वो है ताहिला मैकग्रेथ, ग्रैंड लीग में ग्रेस हैरिस, अमांडा जीट वेलिंगटन, स्मॉल लीग में भी एनाबेल सुतरलैंड को कैप्टन वाइस कैप्टनसी दे सकते हो, शूटर को दे सकते हो। यहाँ से गाइस विद द बैट बैट मूनी ने देखो इंडिया के अगेंस्ट काफ़ी अच्छा किया है, रिसेंट फॉर्म भी काफ़ी अच्छा है, इसको दे सकते हो। ग्रैंड लीग में डार्सी ब्राउन को देना ठीक है, मैगलेनिंग टेक्निकली बहुत क्लासिक बैटर है, मैगलेनिंग को भी आप दे सकते हो। एक नाम यहाँ से मैं आपको बताऊंगा जो ग्रैंड लीग में आपके लिए डिफरेंशियल हो सकता है, वो यहाँ से गाइस जेस जोनासन है, इनको भी आप स्मॉल लीग में वाइस कैप्टनसी दे सकते हो। तो यही कुछ प्लेयर्स हैं जिनके बारे में मैंने आपको बता दिया है, अब इनका यूज़ किस तरीके से करना है। और गाइस ग्रैंड लीग काफ़ी सॉलिड है, ऑलमोस्ट 10 करोड़ की है शायद फर्स्ट प्राइस, 27 लाख रुपए उसमें, और उसमें 1 लाख 2 लाख ऐसे प्राइसेस भी हैं। तो मैं चाहता हूँ आप जल्दी से जाइए अपनी टीम्स कंफर्म कर लीजिए और अच्छा खासा विन करिए, और फिर मेरे को यहाँ पर कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जो सेकेंड मैच है आज ही का पाकिस्तान वर्सेस बारबाडोस वुमेंस का, उसकी वीडियो आपको इसी के ऊपर मिल जाएगी, तो ज़रूर देख लीजिएगा अगर आप चाहते हो कि आपको नॉलेज ऐसे ही मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।